दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना बिजली कनेक्शन कैसे सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बिजली कनेक्शन है जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसको कैसे परमानेंटली डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं, उसका क्या सही प्रोसेस है, मतलब कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको बाद में उस कनेक्शन को लेकर कोई परेशानी ना हो, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई बिजली कनेक्शन है जिसको आप बंद कर देना चाहते हैं, आपको उस कनेक्शन की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है उसके बारे में कभी वीडियो में बात करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि आपको कनेक्शन सरेंडर करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कब आप अपना कनेक्शन बंद करा सकते हैं, और आपको कनेक्शन अपना बंद कराने समय में आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दें जिसके कारण आपको बाद में परेशानी हो या फिर आपका फाइनल बिल ज़्यादा आ जाए, तो इन सब चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कनेक्शन सरेंडर करने का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म आके जाके आपको अपने बिजली ऑफिस में जमा करना होता है। जो भी आपका नज़दीकी सब डिवीजन या डिवीजन ऑफिस होगा वहाँ पर जाके आपको अपना एक एप्लीकेशन देना होगा कि आपको इस कनेक्शन की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट नंबर ये है, इसका मैंने भुगतान कर दिया है, जो भी आप डिटेल लिखना चाहें कि आपको इस कनेक्शन की जरूरत नहीं है उसको बंद करना है। उसके साथ आपको अपना आईडी प्रूफ और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो आपको अटैच करके दे देना होगा। इसमें बस आपको एक ध्यान रखना होता है कि जिस आदमी का कनेक्शन है वही आदमी अप्लाई करे, अगर दूसरे आदमी अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करें। जैसे कभी कभी होता है कि आपके पिताजी के नाम से कनेक्शन है और पिताजी अब नहीं रहे, आपके आप उस कनेक्शन को बंद करना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ में वैसे केस में कुछ और भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं। तो सबसे पहला ये प्रोसेस है कि आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है कि आपको ये कनेक्शन बंद करने की जरूरत है, आपको इस कनेक्शन की जरूरत नहीं है, इसको परमानेंटली या फिर अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको लाइन काटने का ऑर्डर वहां से इशू होता है, ऑफिस से एक डिस्कनेक्शन ऑर्डर इशू किया जाता है। डिस्कनेक्शन ऑर्डर तभी इशू होगा जब आपका कंप्लीट बिल भुगतान हो, जो भी आपका बिल पहले का बाकी है वो कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब भी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप पूरा बिल का पेमेंट कर चुके हों, ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये बाकी है और आप एप्लीकेशन दे रहे हैं लाइन बंद करने के लिए, तो ऐसे में हो सकता है आपका एप्लीकेशन पेंडिंग रह जाए और आपका लाइन डिस्कनेक्शन नहीं होगा। थर्ड स्टेज है जब आपका डिस्कनेक्शन ऑर्डर इशू हो जाता है तब आपके घर पे लाइन कटने के लिए आते हैं ऑफिस से कुछ लोग, आएंगे आपके घर का बिजली कनेक्शन वो काट देंगे और आपके मीटर से फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे। मतलब कितने रीडिंग पे वो डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका मीटर, वो फाइनल रीडिंग नोट करके ले जाएंगे कि हाँ इस डेट में इस रीडिंग पे आपका मीटर डिस्कनेक्ट कर दिया गया, वो जो कि परमानेंट लिस्ट जो कि मतलब परमानेंट डिस्कनेक्शन फाइनल डिस्कनेक्शन हो गया। इस जो रीडिंग लेके जाएंगे उस रीडिंग पे आपका एक फाइनल बिल प्रिपेयर होगा। मतलब जो भी फाइनल रीडिंग आपके मीटर से नोट करके ले गया गया है जिस दिन आपका लाइन कटा है, उस रीडिंग के अकॉर्डिंग एक और आपका बिल बनेगा जो आपने लास्ट बिल पेमेंट कर चुका था, उसके बाद से एक और ये बिल जनरेट होगा जिस बिल पे अलग से फाइनल बिल लिखा हुआ रहता है, ताकि ये पता चला कि हाँ ये आपका फाइनल बिल है, इसके बाद अब आपका कोई बिल जनरेट नहीं होने वाला है, आपका कनेक्शन पूरी तरह से बंद हो गया है। तो ये जो फाइनल बिल होगा उसको आपको पेमेंट करना होगा। ये फाइनल बिल बनवाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपना सिक्योरिटी, अगर कोई आपके पास जमा है आपके बिल में तो उसका एडजस्टमेंट करवा लें। आपको अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिसीट जमा करना होता है और वो आपके फाइनल बिल में वो एडजस्ट करके बिल बना देंगे, या फिर एडजस्ट करने के बाद से आपका कुछ अमाउंट एक्सेस हो रहा है या फिर आपका एडवांस निकाल रहा है तो आप रिफंड करवा सकते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि फाइनल बिल बनवाते समय अपना सिक्योरिटी एडजस्ट करवा लें या फिर उसका रिफंड प्रोसेस करवा लें। और जब आप फाइनल बिल आपका बन गया, आपने उसका पेमेंट भी कर दिया, तो आपको एक और स्टेप करने की जरूरत होती है, वो न्यू नो ड्यू सर्टिफिकेट। मतलब आपको एक नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लेना है उस कनेक्शन के लिए कि अब उस कनेक्शन में कोई भी बकाया नहीं है, उसका फाइनल बिल बन गया है, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कभी सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गया, किसी वजह से अगर आपके पास कुछ भी डिमांड आ जाता है उस कनेक्शन के रिगार्डिंग या उसमें कुछ आपसे बिल आ जाता है, तो आप उसको अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं या फिर आगे उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस कि आप कैसे आप अपना लाइन बंद करा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में आप अपना कनेक्शन बंद करवा सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि आपका बिल पेमेंट होना चाहिए पूरी तरह से, आपका कोई भी बिल बकाया नहीं होना चाहिए, जो कि हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि आपका बिल पेमेंट होगा उसके बाद ही आप अपना लाइन बंद कर सकते हैं। ड्यूज पे ऐसा नहीं कि मेरा लाइन मेरा 10,000 का ड्यूज है और मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइन बंद कर दिया जाए 10 महीने के लिए 20 महीने के लिए, वैसा नहीं होता है। आप लाइन बंद करेंगे तो पूरा ड्यूज क्लियर करिए और आपका फाइनल बिल बनेगा। सेकेंड चीज़ है कि आपका जो भी कनेक्शन है वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। एलटी के केस में जो भी मतलब सिंगल फेज 3 फेज कनेक्शन होते हैं 220 वोल्ट और 440 वोल्ट के, उसमें अगर आपका कम से कम 1 साल का
पीरियड बीत चुका है, मतलब अगर आप कनेक्शन लिए हैं 2 महीने बाद आप चाहते हैं कि बंद करवा दें, तो इस केस में आप बंद नहीं करवा पाएंगे। अगर आप बंद करवाते हैं, करवा जरूर सकते हैं, बट आपको पूरे 1 साल का फिक्स चार्ज आपको देना पड़ जाएगा। तो LTE के केस में ये 1 साल है और ST कनेक्शन के केस में ये 2 साल है, मतलब 2 साल के बाद ही आपको कनेक्शन बंद करवाने के लिए मतलब बंद करवा सकते हैं। अगर उसके पहले करवाएंगे तो आपको उतने पीरियड का जो भी 1 साल या 2 साल है आपके कनेक्शन के केस में, उतने दिनों का फिक्स चार्ज आपको पे करना पड़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए आपको अपना लाइन बंद करवाने के समय में। तो सबसे पहला है, आपको जब भी आपका लाइन डिस्कनेक्ट हो, आपके घर पे लाइन काटने के लिए मतलब ऑफिस से लोग आते हैं जब आपका फाइनल डिस्कनेक्शन के लिए, उस समय आप अपना मीटर का फाइनल रीडिंग जरूर देख लेंगे, कितने रीडिंग पे आपका मीटर खुल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि मतलब आपका जो लास्ट बिल बना है और फाइनल बिल जब बन रहा है उसमें बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, आपको पता नहीं चलता है। तो ये आप इंश्योर कर लेंगे जो भी आप मीटर रीडिंग यहाँ से जा रहा है डिस्कनेक्शन टाइम में वो सही जा रहा है, ऐसा नहीं कभी मिस्टेक हो जाए तो फिर वो मीटर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो मीटर खोल के जा चुका होता है तो आपके बिल में वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सेकंड है सिक्योरिटी मनी का एडजस्टमेंट या रिफंड। अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो उसका आप रिफंड करवा लें या फिर एडजस्टमेंट आपके फाइनल बिल में करवा लीजिए। तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लेना है। अगर ये 3 चीजें आप कर लेंगे तो आपको फाइनल बिल के बाद से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।